दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SV फार्म बिलासपुर में। आज हम बात करेंगे कि घर पर होममेड फीड किस तरह तैयार करें, जिसके लिए कुछ ज़रूरी सामान आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 किलो दाना हम कैसे बनाना है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। मैं 5 किलो दाना बना करके आज आपको बताऊँगा, जिसमें मैंने पहले लिया है 1 किलो दरा हुआ मक्का। मक्का जो है हाई एनर्जी सोर्स है और मुर्गियों की पहली पसंद भी है, तो इसीलिए हमने इसमें लिया है 20% मक्का। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा सोया DOC। अगर सोयाबीन की खली अगर आपको ना मिले तो सोयाबीन के बीजे को दरा करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप तिल की खली और आपका मूँगफली की खली, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है ये गेहूं, दरा हुआ गेहूं का दलिया है। ये काफ़ी गेहूं में हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, मक्का के तुलना में गेहूं में प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसीलिए हम 20% इसमें गेहूं यूज़ करेंगे। दरा हुआ गेहूं लिया है हमने ताकि मुर्गियों को खाने में और डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारा जो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है रागी। 20% हम इसमें रागी डालेंगे। रागी को अपन 10% भी कर सकते हैं मौसम के अनुसार। गर्मी के मौसम में इसे हम 20% यूज़ करेंगे, ठंड के मौसम में इसको 10% यूज़ करेंगे, और 10% इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे ज्वार से। और हमारा ये लास्ट इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं ये बाजरा, ये हम यूज़ करेंगे 20%। बाजरा लेने के बाद ये हमारा 5 किलो दाना तैयार है, जिसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम अपना नेचुरल एंटीबायोटिक हमारा हल्दी डालेंगे। 5 किलो दाने में हम 100 ग्राम हल्दी डालेंगे। वेट मशीन में जो दिख रहा है 6 किलो दिख रहा है, मगर ये है 5 किलो ही है। 1 किलो इसमें जो है बास्केट का वज़न है, उसे हमने ज़ीरो नहीं किया था, वो 1 किलो वज़न उसका है। इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर गर्म मौसम है तो हल्दी का यूज़ कम करेंगे, 50 ग्राम ही काफ़ी है। ठंड में 100 ग्राम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके मुर्गियों को देंगे। अब देखिएगा मुर्गियाँ इसे कैसे चाव से खाती हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर ले। मैं इसे हाथ से मिक्स करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, तो ये बच्चे से मैं काम करवा रहा हूँ। वीडियो की स्पीड थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें अगर अपन लेयर को ये फीड दे रहे हैं तो इसमें 2 से 3% एडिशनल हमें लाइम स्टोन पाउडर यूज़ करना है। और अगर हम मान लीजिए इसे हम छोटे चिक्स को देंगे तो फिर उसे उस समय हमें जो DOC है, सोयाबीन की जो खली हमने यूज़ की है, उसे 10% और बढ़ा देंगे, मतलब वो 30% यूज़ करेंगे। बाकी 70% जो बाकी 4 आइटम मैंने बताया है उसे यूज़ करेंगे। ये जो दाना हमने तैयार किया है ये 18% प्रोटीन है और इसमें एनर्जी जो है वो 2700 कैलोरी की एनर्जी है। और इसमें हमने हल्दी यूज़ किया है जिससे कि मुर्गियों के लिए वो एंटीबायोटिक का काम करेगा नेचुरल, तो हमारी मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहेंगी, हेल्दी भी रहेंगी, ग्रोथ भी अच्छा रहेगी। और अगर अंडे वाली मुर्गी है तो 2 से 3% लाइम स्टोन पाउडर यूज़ कर लें। और मैं तो मेरे वीडियो में मैंने डाला हुआ है मार्बल चीज भी देता हूँ अपनी मुर्गियों को, मैं उसे भी आप दे सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको छोटी मोटी जानकारियाँ मुर्गी पालन से संबंधित मिलती रहें। धन्यवाद।